Greetings students, let's continue with journal entries and this is the seventh part of journal entries. ये जो journal entry आपको दिख रही है ये एक दूसरे से सारी related है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से. और बेटा trade discount और cash discount की ये वाली जो journal entry है इसमें आपको पूरा concept clear हो जाएगा. इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा important है ये वाली journal entry. देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं. देखो क्या लिखा हुआ है. परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. क्या लिखा है, गुड्स परचेज किए हैं विनोद से, फ्रॉम मीन्स से, विनोद से कुछ परचेज किए हैं जिनका लिस्ट प्राइस है 40,000 और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट होगा. तो इसकी एंट्री बनाते हैं कैसे होंगे. परचेज के साथ गुड्स है, गुड्स को इग्नोर कर देंगे तो परचेज वर्ड्स है. और परचेज कहां जाता है आपको पता है, डेबिट साइड जाता है. आप एक बात याद रखो, 99% केसेस में परचेज जाना है डेबिट साइड. क्यों जाना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस. मींस कोई भी एक्सपेंस हो उसको डेबिट साइड लिख देना, ये नॉमिनल अकाउंट बोलता है. और जब हम परचेज करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको हम डेबिट साइड लिखते हैं. क्लियर है बेटा. अब आप बोल रहे हो कि सर 99% केसेस में परचेज डेबिट साइड जाता है, वो 1% केस कौन सा है जहां पर परचेज डेबिट साइड नहीं जाएगा, इट मींस क्रेडिट साइड जाएगा. वो नेक्स्ट एंट्रीज आएंगी, आगे अभी बहुत आगे आएंगे, वो मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा. अभी के लिए याद रख लेना, परचेज 99% केसेस में डेबिट साइड जाता है. क्लियर. अब मैंने लिख लिया परचेज, भाई परचेज डेबिट साइड आने, देखो लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट. अब दूसरी साइड देखते हैं क्या लिखा हुआ है. परचेज गुड्स फ्रॉम, एक ये दिख रहा है मेरे को विनोद, विनोद नेम है और कोई भी नेम हो पर्सनल अकाउंट में जाता है. अब आप बात सुनो, मैंने परचेज किया विनोद से, इट मींस गुड्स को देने वाला कौन है, विनोद, क्योंकि विनोद से हम परचेज कर रहे हैं और विनोद है तो पर्सनल अकाउंट रूल लगेगा और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. मींस देने वाला कौन है, विनोद, विनोद गुड्स को दे रहा है इसलिए इसको विनोद को हम क्रेडिट साइड लिख देंगे. देखो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, टू मींस क्रेडिट साइड होती है. अब अमाउंट कैसे लिखते हैं, देखो टोटल परचेज किया 40,000 का जिसपे डिस्काउंट है 10% का, और कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट. अब इस ट्रेड डिस्काउंट को निकालते कैसे और इसके अमाउंट कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं. देखो टोटल परचेज कर रहा हूं मैं 40,000 का, और जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो मैं निकाल लेता हूं इसका 10%, ये आ गया मेरा 4,000. अब टोटल मैंने परचेज किया 40,000 का, जिसमें से 4,000 का तो ट्रेड डिस्काउंट होगा, मींस मैं कितने के लिए 36,000 की. देखो मैंने यहां पर 36,000 की लिखा हुआ, ये 36,000 कैसे आया आपको पता लग गया होगा. अब बोलोगे सर ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, बेटा इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना रखी है, वो जाके देख लो. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1,000. क्या लिखा हुआ है, वापिस कर दिए गुड्स, वापिस हो रहे गुड्स, रिटर्न गुड्स टू विनोद, टू मीन्स को, विनोद को गुड्स वापिस हो रहे हैं जिनका लिस्ट प्राइस 1,000 रुपीज था. पहले क्या हो रहा है, ऊपर देख लो परचेज हो रहा है, फिर परचेज किया हुआ माल क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, इट मींस ये परचेज रिटर्न है. ये बात भी समझ में आ गई कि ये परचेज रिटर्न है. अब दो बात से मैंने आपको दो वे से बता रखा, टू वेज बता रखे हैं कि रिटर्न वाली एंट्रीज कैसे करते हैं. सीधी सी एक बात बता दो बेटा, परचेज अगर डेबिट साइड आता तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आएगा, ये बात पता आपको. अब लॉजिकली समझ लो ये क्यों आता है क्रेडिट साइड. जब हम परचेज करते हैं तो हमारा एक्सपेंस हुआ, ठीक है, और कोई भी एक्सपेंस डेबिट साइड जाता है. जब हम परचेज किया हुआ माल वापिस कर देंगे, इट मींस जो हम वापिस करेंगे, मान लो हमने 1,000 रुपीज का वापिस किया तो वो वापिस भी तो आएंगे, 1,000 रुपीज हमारे पास वापिस आएंगे तो हमारे लिए एक तरह से इनकम होगी ना, क्योंकि पैसे आ रहे हैं. और जब पैसे आते हैं मींस इनकम होती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट और
एक्सपेंशन एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मींस कोई इनकम हो तो उसको क्रेडिट, जब परचेज किया हुआ माल हम वापिस दे के आएंगे तो जितने का वापिस करेंगे उसको उससे कुछ पैसे भी तो वापिस लेके आएंगे, जो पैसे लेके आएंगे वो हमारे लिए एक तरह से इनकम हो जाएगी, एक तरीका ये। और दूसरा ये बेटा परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड। देखो परचेज रिटर्न मैंने क्रेडिट साइड लिखा हुआ है बेटा, पूरा लिखना मैंने छोटा लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, अब पूरी स्पेलिंग लिखना तो परचेज रिटर्न। और किसको किया परचेज रिटर्न? विनोद को। अब विनोद को वापस किया तो वो रिसीवर हो गया, विनोद उन गुड्स को वापस ले रहा है, और विनोद आएगा पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट का बोला डेबिट द रिसीवर। देखो ये रिसीवर है इसलिए मैंने इसको डेबिट साइड लिख दिया। अब आप बोलोगे सर यहां लिखा है 1000 रुपीज, आपने यहां लिखा है 900 रुपीज, ऐसा क्यों? समझो बेटा जब मैंने परचेज किया था तो उसने मेरे को डिस्काउंट दिया था, ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्लियर है। अब मैं उसको वापस करके आ रहा हूं तो वो ये भी तो बोलेगा जितना डिस्काउंट लिया था वो भी काट के जब वापस आऊंगा, समझे? मींस जो ट्रेड डिस्काउंट परचेज करते टाइम है तो परचेज रिटर्न करते टाइम भी ट्रेड डिस्काउंट कट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो 1000 का वापिस कर रहे हैं, इस 1000 पे ये 1000 है जो ये कहीं ना कहीं कवर है इस 40,000 में, और 40,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, इट मींस 1000 पे भी ट्रेड डिस्काउंट तो है, तो इसका भी 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे 1100 रुपीज। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? टोटल अमाउंट है 1000 माइनस 100, तो रिमेनिंग बच गया 900। तो देखो ये 900 ऐसे आया। तो बेटा याद रख लेना, जब परचेज रिटर्न हो या फिर सेल रिटर्न, जितना ट्रेड डिस्काउंट मिला था या दिया था, अगर रिटर्न हो रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके तब अमाउंट लिखते हैं, ये बात बतानी है मेनली मेरे को इन जनरल एंट्रीज में, वरना ये और ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ये अमाउंट बताने के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं, याद रख लेना ये बात। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पेड कैश टू विनोद ऑफ ₹34,000, दे दिया कैश, दिया टू मींस को विनोद को कितना 34,000 इन फुल सेटलमेंट। बेटा फुल सेटलमेंट वर्ड दिख जाए तो इट मींस डिस्काउंट होता है, तो ये फुल सेटलमेंट जो लिखा हुआ है ये है डिस्काउंट। आप बोलोगे सर डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट तो खत्म हो चुका है, ये डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। सर दो तरह सेटलमेंट लिख रहा हो तो कैश डिस्काउंट भी होगा, ये बात याद रख लेना। अब कैश डिस्काउंट भी टू टाइप्स के हो सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश डिस्काउंट, वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड एंड सेकंड वन इज डिस्काउंट अलाउड, मींस डिस्काउंट अलाउड मींस डिस्काउंट दिया और रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड मींस डिस्काउंट लिया। अब एक बात और बताई थी मैंने, अगर हम परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और अगर हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं। एग्जाम्पल समझो, मैं कुछ भी चीज, आप खुद का एग्जाम्पल हो, आप कोई भी चीज परचेज करने चाहोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या दोगे? सीधी सी बात, आप मान लीजिए क्या एक बोर्ड ही खरीदने जा रहे हो, ये बोर्ड लेने गए हो आप, ये आया मान लो 1000 रुपए का बोल रहे हो, आप बोल रहे हो यार 900 ले ले, तो 100 रुपए का आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कब हुआ ये? परचेज करते टाइम। तो क्लियर से एक बात याद रख लेना, परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड एंड सेल के साथ डिस्काउंट अलाउड यूज होता है। देखो दोबारा एक बार देख लेते हैं, पेड कैश टू विनोद, विनोद को कैश दिया है, एक तो ये अकाउंट है और एक ये अकाउंट है, और फुल सेटलमेंट के नाम का हम लिखते हैं डिस्काउंट, और यहाँ पर कौन सा होगा रिसीव, ये तीन अकाउंट है। अब इन तीन अकाउंट की एंट्री बनानी है, पे कर रहे हैं किसको? विनोद को, मींस ये रिसीवर है, विनोद को पे कर रहे हैं, वो रिसीवर है, विनोद आएगा पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट का बोला डेबिट द रिसीवर। देखो विनोद को मैंने डेबिट साइड लिखा हुआ है, अभी अमाउंट इग्नोर करो, पहले ये समझ लो, ये आगे बात समझ लो, डेबिट में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, पे क्या किया? कैश, कैश हमारे पास से तो गया ना, और कैश जब जाता है क्रेडिट साइड होता है, क्यों जाता है, क्यों होता है क्रेडिट साइड? क्योंकि कैश आता है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मींस ओ सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल होता है। मैंने बाय मिस्टेक पर्सनल का बोल दिया था, कैश आता है रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश गया हमारे पास से, तो कैश गया है तो इसको मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, देखो टू मींस क्रेडिट होता है।
देखो बेटा अमाउंट, और फिर एक बात और बता रखी है मैंने आपको, जिस साइड कह सकता है उसी साइड डिस्काउंट आता है। परचेज वाली एंट्री है, देखो परचेज वाली एंट्री है, ये तीनों एंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये परचेज वाली एंट्री है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, कैश इस साइड आया टू साइड तो टू साइड ही डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। अब ये अमाउंट कैसे लिखी है वो समझा देता हूँ आपको, यहां तक शायद आपको समझ में आ चुका होगा बेटा। देखो एक बार, टोटल हमने पहले परचेज किया है, मैं आपको ये बता रहा हूं ये अमाउंट कैसे आएगी, ये वाली देखो एक बार, टोटल परचेज किया हमने पहले, हमने 40,000 ठीक है सर, 40,000 का परचेज किया है। फिर इसमें से 4,000 मैंने निकाल के बताया था आपको, 10% जब मैंने 40% का निकाला वो ट्रेड डिस्काउंट आया था वो माइनस कर दिया था मैंने, तो मीन्स असली में मेरे पास से पैसे कितने जाने हैं 36,000 ठीक है, ये 36,000 आ गया। फिर इसमें से कुछ माल ऐसा है जो वापिस आ गया था 1,000 का ठीक है, पर 1,000 पे भी 10% रेट डिस्काउंट कट करके तब लिखा था, मीन्स 900 रुपीज लिखा था, तो मीन्स ये 900 है ये तो वापिस ही आ गया माल। अब असली में उसको पैसे कितने देने हैं, टोटल देने थे 36,000 बट उसमें से 900 का माल वापिस आ चुका है तो ये कितने रह गए, ये रह गए 35,100 रुपीज। यहां तक क्लियर है? तो अब देखो असली में विनोद को अब हम कितने पैसे देंगे, 35,100। यहां तक भी क्लियर है बात? अब पर फिर जब हम देने के लिए गए उसको हमने बोल दिया यार एक काम कर, 35,100 तेरे पैसे बन रहे हैं, तेरे रुपए 35,100 बन रहे हैं, तो एक काम का यार 34,000 ले ले और पूरी सेटलमेंट कर दे। मींस देने थे 35,100, उसको 34,000 देकर ये बोल रहे हैं बस सब फुल सेटलमेंट हो चुकी है। फुल सेटलमेंट मीन हम 35,100 की जगह 34,000 देकर 1,100 रुपए का उससे फिर से डिस्काउंट मांग रहे हैं, और ये कब मांग रहे हैं जब उसको पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स वो कैश देते टाइम मांग रहे हैं ना डिस्काउंट, इसलिए वो कैश डिस्काउंट में इंक्लूड होगा। और कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, और परचेज कर रहे हो तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। अब देखो ये 1,100 आ चुका है, डिस्काउंट में निकाल दिया कितना है, डिस्काउंट रिसीव हुआ मेरे को 1,100, और असल में रियल में मैं कैश कितना पे कर रहा हूँ 34,000। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, ये दोनों अमाउंट ऐड करो, क्या इसके इक्वल आ रही, बिल्कुल आ रही, टोटल कर लेंगे इसके इक्वल। और एक बात और बता रखी है मैंने आपको मेनली कि बेटा इन दोनों को ऐड करो, नेम के सामने टोटल आता है, इन दोनों का टोटल करो नेम के सामने, ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट और रिटर्न कर दिए, मींस पहले परचेज किया ट्रेड डिस्काउंट लिया, ट्रेड डिस्काउंट लेने के बाद फिर से वापस माल कर दिया, और फिर जब पेमेंट करी फिर से कैश डिस्काउंट ले लिया, ये सारे कैश कवर हो गए यहाँ पर। ऐसी ही एक जनरल एंट्री करेंगे सेल वाली, जिसमें सेल रिटर्न भी होगा, ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, और डिस्काउंट अलाउ भी होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से समझ लेना, अगर कोई डाउट आए मेरे से आप पूछ लें। थैंक यू।